हेलो फ्रेंड्स, मैंने देखी ये बना लिया है यहाँ से लेके यहाँ पूरा तक, और ये पूरा इस तरफ और ये नीचे पूरा ग्रीन से बना लिया है। अब हम आगे करना क्या है हमको कि ये महरूम ऊपर लगाएंगे, और जो इस बार चैन छोटी छोटी बनी थी इस बार थोड़ा बड़ी बड़ी बनाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसका फर्स्ट पार्ट भी बना रखा है, आप मेरे चैनल में जाके देख लीजिएगा। देखिए, अब ये जो हमारे ये चैन के बीच से ऐसे इसमें से डालना है, और जैसे पहले हम एक बार ही ऐसे राउंड ले करते थे, एक बार ऐसे, अब इसको दो बार करना है। दो बार करके ऐसे निकाल लेना है, और निकालने के बाद दो फंदे निकालेंगे, फिर दो, और फिर लास्ट में दो का एक कर लेंगे। फिर इसके बाद एक बार और देखिए, जैसे मैं पहले उस बार ऐसे डालते थे तो इसमें दो बार, और फिर ये इन दोनों के बीच में डाल के और ऐसे निकाल लेना है, फिर दो बार, फिर ऐसे ये निकाला और ये निकाल दिया, फिर दो बार, इसी तरह पूरे में यहाँ से यहाँ तक इसमें, और इसमें हम क्रोशिया चला लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह की चैन बनेंगे जो नीचे जाके एकदम फ्रॉक जैसा लुक देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको बना लिया है, ये पूरा कंप्लीट कर लिया, इधर का भी पूरा कंप्लीट हो गया और नीचे भी कंप्लीट हो गया है। अब हमको करना क्या है, इसमें जो कैप लगी हुई है ऊपर डॉल के ऊपर, इसको हमको बनाना है, और बना के हमको यहाँ पे सेट कर देना है। आइए मैं आपको कैप बनाना बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें बनाऊंगी 6 चैन, 2, 3, 4, 5, 6। 6 चैन बनाने के बाद फिर जो लास्ट में है इस पे अंदर डाल के
देखिए मैंने यहाँ लास्ट में डाल के और हमको ऐसे निकाल लेना है तो ये यहाँ पे गोला बन जाएगा। ये देखिए गोला बन गया है। अब इसी गोले में हम जितनी भी चाय निकाल सकते हैं 10, 20, 30 उतनी हमको निकाल लेना है। देखिए वैसे हमको ज़्यादा बड़ी कैप नहीं चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 चैन निकालने पे आ जाएगा। 2, 3, 4, 5 7 8 9 14, 15, 16, 17 18, 19 और ये 20। हमारी 20 चाय निकाल लिए हैं। अब हमको एक बार इसी के ऊपर फिर ले जाना है थोड़ी थोड़ी दूर में। ये देखिए बन के तैयार हो गया है। अब इसको हमको फिर एक राउंड लगा देना है थोड़ी थोड़ी दूर पे, जैसे एक चैन छोड़ के एक पे। ये देखिए ऐसे राउंड लगाना जैसे सभी चैन के बीचों बीच, जैसे ये हैं जी, बीच से निकालना है ये चैन के बीच से। फिर चैन के बीच से फिर चैन के बीच से हमको जितनी हमने ये चैन बनाई हैं उनके बीच से निकाल निकाल के हमको पूरा कर लेना है।
यानी कि पिछली जो पहले राउंड बना है उसमें हमने 20 बार चैन लिया, तो इसमें कित हो गई 10 बार। ये मैंने ये बना लिया है 2 बार, एक बार बीच नीचे 20 चैन ली है, फिर ऊपर 10 हैं। अब इसमें हमको ग्रीन ऊन लगाना है। ग्रीन ऊन लगा के एक राउंड करना है। जैसे हम उसमें हर बीच वाले पे हर चैन के बीच से निकाले हैं, इसमें एक चैन छोड़ के दूसरे चैन से लेना है। देखिए मैं आपको बताती हूँ भी, अब हमको एक चैन निकाले इसी जगह से, दोबारा सेम इसी जगह से दोबारा निकालेंगे, फिर इसी जगह से तीसरी बार हम 3 बार निकालेंगे, और फिर 3 बार निकालने के बाद एक चैन लेंगे, और हमको देखिए ये छोड़ने के बाद इसमें जैसे हमने एक जो स्पेस है उसको छोड़ दिया, और जो दूसरा वाला चैन का स्पेस है उसमें फिर बनाना है। एक बार, 2 बार और 3 बार। अब हमको फिर एक चैन लेना है, और फिर एक ये हमने छोड़ दिया है और ये इसमें, अब ये हम लास्ट में आ गए हैं। पूरा बिनने के बाद यहाँ पे एक चैन निकाल लिए हैं, और जो सबसे स्टार्टिंग में लिए थे उसी चैन में डाल के और हमको इसको बंद कर देना है। ऐसा करने से ये बाद में देखने में गंदा नहीं लगेगा। ये देखिए।